तो गाइज वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज उर्मिला और आज हम बात करने वाले हैं हेयर स्टाइल्स के बारे में। 5 इजी हेयर स्टाइल्स जो आप ऑयली हेयर में कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने हेयर ऑयल कर दिया है और ऑल ऑफ सडन कहीं पे बाहर जाना है या फिर हेयर वॉश करने का बहुत ही आलस आ रहा है, तो उस केस में भी आप ये सारे हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो। ये जो हेयर स्टाइल्स है वो आपके सारे ओकेशंस के लिए अप्रोप्रिएट है। लाइक अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो भी कुछ हेयर स्टाइल्स कर सकते हो, कुर्तीज के ऊपर भी कुछ हेयर स्टाइल्स चलेगी और कैजुअल लुक के लिए भी कुछ हेयर स्टाइल्स चलेगी। सो नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड लेट्स गो फॉरवर्ड विद द वीडियो। फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैं साइड पार्टीशन ले रही हूँ और अच्छे से ऊपर से कॉम कर ले रही हूँ और फिर आगे से दो स्टैम्प्स लेके फर्स्ट सेकेंड वाले स्टैम्प को फर्स्ट वाले के साथ पीछे करके ट्विस्ट कर दिया है। ऐसे ही थर्ड वाले स्टैम्प को सेकेंड वाले से ट्विस्ट कर दिया है और ऐसे सो ऑन करते जाना है। मैंने यहाँ पे बहुत ही पतले पतले से स्टैम्प्स लिए, अगर आप चाहते हो तो मोटे भी ले सकते हो, बट मुझे पतले अच्छे लगते हैं। बस जब तक आपका ईयर आ रहा है वहाँ तक के हेयर आपको ले लेने हैं, फिर बॉबी पिन से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स की तरफ डालते हुए सिक्योर कर लेना है और दूसरे बॉबी पिन को नीचे की तरफ अपोजिट साइड में डाल के सिक्योर कर लेना है और फिर यहाँ पर मैं नॉर्मल सी चोटी बना दूंगी। और एक रबर बैंड लेके मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने मिडल पार्टीशन कर लिया है और पफ वाला बर्न ले लिया है और बीच में रख के इसे राइट हैंड साइड के हेयर लेके लेफ्ट हैंड साइड मैंने सिक्योर कर लिया है और उससे पहले मैं एक बार ट्विस्ट कर दूंगी ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए और फिर इसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड के हेयर लेके राइट हैंड साइड सिक्योर कर लूंगी, उससे पहले अच्छे से कॉम कर लूंगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए और उसके जैसे ही सेम अपोजिट साइड आपको ट्विस्ट कर लेना है और बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। आप बॉबी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि आपका ऑल डे लॉन्ग चले। और मैं यहाँ पे पोनीटेल बना रही हूँ। अभी पोनीटेल रख के आप ओपन भी रख सकते हो, छोटी भी बना सकते हो, बर्न भी बना सकते हो, आपको जो समझ आए और उस टाइम पे जैसा मूड है आप वैसा हेयर स्टाइल बना सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर छोटी बना लूंगी। आप ये हेयर स्टाइल के लिए पीछे से जो बर्न बनाओगे वो ऑफिस के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, ऑफिस के लिए बहुत ही सही लगेगा और पूरा दिन आराम से चलेगा। और नीचे से हेयर बैंड से सिक्योर कर लूंगी और अभी एक दो ट्विस्ट देके राउंड करके बॉबी पिन से सिक्योर कर लूंगी। यहाँ पर आप बॉबी पिन के अलावा रबर बैंड लगा के भी सिक्योर कर सकते हो। और अभी थर्ड हेयर स्टाइल के लिए मैंने मिडल पार्टीशन लिया है और आगे से हेयर लेके अच्छे से कॉम करके उसे बस ट्विस्ट कर दे रही हूँ अपोजिट साइड। और यहाँ पर मैंने टिक टिक पिन से उसे सिक्योर कर लिया। सेम उसी तरह हम लोग ये साइड भी करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेके पीछे की तरफ ले जाते हुए राइट हैंड साइड ट्विस्ट करके टिक टिक पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब आगे से ये हेयर स्टाइल रेडी है, इट्स लुकिंग गुड। और इसके पीछे अगर आप छोटी करना चाहते हो नीचे से छोटी कर सकते हो, खुला रखना चाहते हो खुला रख सकते हो, जो भी आपको समझ आए उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं रबर बैंड डाल रही हूँ, एक छोटा सा रबर बैंड यूज करना है हमें इसे। और ऐसे चिमटी लेके बाहर की तरफ मैं पूरे हेयर को पुल आउट कर रही हूँ। सो लेट्स डू इट वंस अगेन। मैं रबर बैंड ले रही हूँ और फिर से हाफ में बाल लेके चिमटी लेके बाहर की तरफ मैंने फिर से कर लिया है वंस अगेन। ये आप आपके हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी किसी में सिर्फ दो होगा, किसी में तीन,
और फिलहाल मैं मेरे हेयर पे 4 बार कर रही हूँ। फिर से एक बार हाफ में लेके चिमटी लेके बस बाहर की तरफ पुल आउट कर लिया है। और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है, इजी पीजी है और बहुत ही सही लगती है। दैट्स इट एंड यू आर रेडी फॉर योर कैजुअल आउट। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए मैंने मिडल पार्टीशन लेके आगे से बॉक्स बना लिया है और मैं इससे प्लीट्स बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ। बस आपको करते जाना है और बस पीछे से यहाँ तक लेके बॉबी पिन या फिर टिक टिक पिन से सिक्योर कर सकते हो। फिर से एक बार एक बॉक्स कर लेना है, फिर से प्लीट्स बना लेने हैं, चोटी बना लेनी है और चोटी की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो पीछे तक आ जाए और यहाँ पर सिक्योर कर लिया है। और ये आगे से हेयर स्टाइल रेडी है। आप नीचे से चोटी कर सकते हो एज यूजुअल, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ रबर बैंड डाल के ऐसे ही पोनीटेल कर ले रही हूँ एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। फिफ्थ और लास्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने आगे से थोड़े से हेयर ले लिया और उसको ट्विस्ट कर लिया है अच्छे से और टिक टिक पिन से सिक्योर कर लिया है। उसी तरह मैं फिर से एक बार ले रही हूँ, ट्विस्ट कर ले रही हूँ और सिक्योर कर ले रही हूँ। और ये प्रोसेस मैं 3 बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 बार लिए, अगर आप चाहते हो 4-5 जितनी बार भी आपको सही लगता है तब तक आप ले सकते हो। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पोनी बना दूंगी नीचे। अब मैं रबर बैंड से सिक्योर कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स बना लिए हैं और राइट वाला लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड जाएगा। उसी तरह ये प्रोसेस फॉलो करते जाना है, लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड, राइट वाला लेफ्ट हैंड साइड। सो कीप ऑन डूइंग दिस। मैंने यहाँ पे थोड़े मोटे स्टेम्स लिए, आई मीन मीडियम साइज के लिए। अगर आप चाहते हो तो बहुत ही पतले पतले से लेके भी ये कर सकते हो, बहुत ही सही लुक देता है। पर मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं पतले पतले स्टेम्स लूँ, तो फिर मैंने थोड़े मोटे मोटे ले लिए। एंड दैट्स इट, आपको ये रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है एंड नाउ यू आर गुड टू गो। और ये क्लोज अप व्यू है हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक एंड इट्स डन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल दैट बाय बाय, लव यू ऑल।